हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू डे एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो यार हम लोग, जैसे कि आपको पता होगा, ये ब्लॉग यार थोड़ा अलग सा है। ये मैं भी असल में अपने घर में हूँ, तो मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था। पिछले बार से यार हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो अभी मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, तो मैं सोचा यार ये ब्लॉग फटाक से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग यार गोवा गए, फिर उसके बाद मैं अपना होम टाउन गया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा घूमा। तो गोवा में मैं यार कुछ इस तरीके का दिख रहा था, और जब गोवा से आया था तो कुछ इस तरीके का हो गया हूँ। और उसके बाद भी हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमे ना, तो क्या बोले से बहुत ज़्यादा सन टैन हो गया मेरे को। तो यार मैं नेट में सर्च कर रहा था, उसके बाद यार एक यूट्यूबर का ये मेरे को वीडियो मिला, जिसमें इन्होंने बोला यार एक वॉश में भी हम लोग को रिजल्ट दिख जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो इनका वीडियो देखती है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यार हम लोग जस्ट इसको ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन टैन हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि यार नेक्स्ट थोड़ा, जब अभी हम लोग फ्री टाइम में हैं, थोड़ा अभी हम लोग घर में हैं, फ्री टाइम है हमारे पास, तो हम लोग यार स्किन केयर रूटीन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यार अभी जल्दी से इसको ट्राई करते हैं। तो यार चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिसको मिक्स करने के लिए, मैं एक बाउल ले लिया हूँ। इस बाउल में हम लोग बनाएंगे और हम लोग इसको ट्राई करेंगे, जो देखते हैं। जो फिट ट्यूबर ने बोला है कि एक वॉश से ही हमको रिजल्ट दिखेगा, तो यार उसको ट्राई करते हैं। तो मैं बाउल लेके आ चुका हूँ, चलो बनाते हैं। तो यार हम लोग हमारा बाउल ले चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले, जैसे कि बोला है, उसमें डालना है हमको ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। ये गया हम लोग का बेसन, ये जाएगा होममेड कर्ड, उसके बाद सैंडलवुड पाउडर, तो ये था हाफ टेबल स्पून। उसके बाद यार हम डालेंगे इसमें हनी, गुलाब जल, इसको एक पेस्ट बनाने के हिसाब से हमको डालना है। तो ये गया गुलाब जल, अब हम यार इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। यार यूट्यूबर ने हमको बताया था सेम, हमने ये बना के रेडी कर चुके हैं। तो अब टाइम आ चुका है अप्लाई करने का, उसके बाद हम लोग फिर रिजल्ट देखेंगे कि यार इसका रिजल्ट कैसा था। इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है बोल के। कंटेंट के लिए हो रहा है। यार हम लोग फेस पैक लगा चुके हैं, जैसे कि 20-30 मिनट सूखने के लिए बोले हैं। तो हम लोग यार 20-30 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद वॉश करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यार इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो चलो वेट करते हैं तब तक। तो यार जस्ट अभी मैं पानी से फेस को धो के आया हूँ। तो यार ये है रिजल्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी थोड़ा तो टैन थोड़ा कम हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा जितना था पूरा हट गया एक ही बार में, लेकिन हाँ थोड़ा सा टैन कम हुआ है। तो यार ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी मिरर में, अगर आप देखेंगे तो फेस पहले से ज़्यादा ब्राइट है, और टैन भी पहले से कम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है टैन, काफ़ी सही सा दिख रहा है। तो यार आप लोग भी जाइए ट्राई करिए इसको, अगर आप भी यार घूम घूम बाहर जाके धूप में टैन हो चुके हैं। और तो यार नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग मिलते हैं, कोई नया ब्लॉग में मिलेंगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।